स्टूडेंट तो कैसे हो आप लोग। देखिए पिछले वीडियो में हम बता दिए थे आप लोगों को लीप ईयर, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से जा करके देख लीजिएगा, और नहीं तो यहां पे जो है आई बटन में आ रहा होगा, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, आज है कैलेंडर। कैलेंडर में कैलेंडर को जो है चार टाइप से पढ़ाएंगे, और आज पहला टाइप है। टाइप वन में क्या है कि इसमें दिन असमान होगा और मंथ और ईयर ये दोनों जो है समान होगा, ठीक है। ये टाइप वन है, क्या रहेगा कि दिन और दिन असमान रहेगा और मंथ और ईयर समान रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आने वाला जो डेट है, आने वाला अभी जो महीना है 11वां महीना, उसमें अगर हम मान लेते हैं कि 1/11/2021 सोमवार है तो 1/11/2021 सोमवार है तो 26/11/2021 को कौन दिन होगा, है कि नहीं। तो देखिए इसमें, क्या है कि ईयर दोनों का समान है कि नहीं। इसमें देखिए मंथ भी दोनों का समान है कि नहीं। 11वां महीना का बात हो रहा है और किसका बात हो रहा है, 2021 का, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। और अगर देखते हैं हम लोग दिन तारीख को, तो ये क्या है, डेट असमान है कि नहीं। तो टाइप वन में क्या पढ़ेंगे कि डेट असमान और मंथ और ईयर समान। चलिए तो देखते हैं और इसको समझते हैं कि किस तरह से निकालेंगे, अगर एक दिया रहे तो दूसरा किस तरह से निकालेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल में समझ लेते हैं। और ये टाइप वन है और कैलेंडर का ये पार्ट वन वीडियो है, और पार्ट टू इसके बाद आएगा। और अगर लीप ईयर नहीं देखे हैं तो लीप ईयर जरूर देखिए, उसको जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। फिलहाल चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इसमें दो टाइप का होगा, एक क्या होगा कि डेट आने वाला होगा, दूसरा क्या होगा कि डेट पीछे मतलब बीता हुआ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लेते हैं, एग्जाम्पल में बनाते हैं कि आज कितना तारीख है, आज का करेंट डेट लेते हैं 21/10/2021 को रविवार है तो 5/10/2021 को कौन सा दिन था, ठीक है, कौन सा दिन था है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अगर 31 तारीख को, यानी कि आज संडे है यानी रविवार, अगर आज रविवार है तो बीता हुआ 5 तारीख को कौन सा दिन था। तो ये बीते हुए की बात हो रही है, या आने वाला का बात हो या बीता हुआ का बात हो, दोनों का नियम सेम ही है, लेकिन कंडीशन दो ही ना हो सकता है, या तो आने वाला हो या तो बीत गया हो। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो कितना का अंतर आ जाएगा, बताइए आप लोग कितना का अंतर आ जाएगा। तो देखिए अंतर सिर्फ हम लोग किसका निकालेंगे, डेट का, ठीक है, क्योंकि मंथ और ईयर क्या है, दोनों समान है। किसका अंतर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे सिर्फ डेट का, ठीक है, क्योंकि मंथ और ईयर दोनों क्या है, दोनों समान है। तो देखिए इसका दोनों का अंतर निकालेंगे तो 31 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 26। ये क्या है, अंतर निकालना, और दोनों का अंतर निकाल कर सके कितना से भाग, 21 तो कितना आ गया, 5 आ गया ना। अब देखिए अगर बीता हुआ है तो इसमें दो कंडीशन है, अगर बीता हुआ है तो रविवार में से 5 दिन घटा देंगे, पीछे जाएंगे, ठीक है, या 2 दिन आगे जाएंगे, ठीक है, या रविवार से 2 दिन आगे जाइए या रविवार से 5 दिन पीछे जाइए। तो हम लोग को आसान क्या है, 2 दिन आगे जाने का। तो रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार और मंगलवार, यानी कि 5/10/2021 को कौन सा दिन था तो आप लोग क्या बोलिएगा, मंगलवार, है कि नहीं। और 5 दिन पीछे जाकर भी देखिए मंगलवार आएगा, देखिए रविवार के बाद क्या आ जाएगा, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार और मंगलवार, ठीक है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि दिन का अंतर निकालेंगे, और अंतर जितना आएगा उतना में 7 से भाग दे करके क्या निकालेंगे, शेषफल, और 7 से भाग दे करके शेषफल निकालेंगे तो कितना आएगा इसका शेषफल, 5। अब देखिए 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 2 जोड़ेंगे। देखिए जब बीती हुई क्या बात हो तो जो शेषफल आए उसको दिया हुआ दिन में क्या करेंगे, घटा देंगे या उसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है, 2 जोड़ देंगे या 5 घटा देंगे। चलिए आई होप इतना समझे होइएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और, ये तो बीता हुआ, आने वाला में देखिए, आने वाला से ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा तो जा करके
आपको समझ में आएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अब देखिए एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मान लीजिए कि 1/11/2021 को सोमवार है, ठीक है, तो 17/11/2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा। ये एक तरह का जादू भी है और ये कंपटीशन का क्वेश्चन भी है, एक तरह का जादू भी है। अपने दोस्तों के साथ इस तरह का जादू भी खेल सकते हैं कि हम एक सेकेंड में इसका जवाब दे देंगे, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए, सबसे पहले इसमें ये समझना होगा कि ये आने वाली डेट के बारे में बात कर रहा है। ये डेट दे दिया है कि 1/11/2021 को सोमवार है, तो 17/11 को यानी कि आने वाला दिन में है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहले तो इसका कुछ भी नहीं, इसका अंतर निकाल लेंगे तो कितना का अंतर आ जाएगा, 16 ही ना आएगा, 17 में से एक गया 16, ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे कि 0-1 में से 17 माइनस करेंगे तो माइनस 16 आएगा, यही ना, लेकिन माइनस में नहीं लेना, इसका अंतर निकालना है कि बीच का अंतर क्या है, ठीक है। तो दोनों के बीच का अंतर 16 का है। अब इस 16 में कितना से भाग देंगे, 7 × 2 = 14, 7 से भाग देंगे कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, ठीक है, 2 बार में कट गया। तो अब इसमें देखिए, या तो सोमवार में आने वाला डेट है तो या तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, ठीक है, ये जो शेष पल आया है 2, इसको जोड़ दीजिए, या तो 5 घटा दीजिए, ठीक है। तो 5 तो घटा नहीं सकते, क्योंकि मतलब 5 घटाएंगे यानी कि पीछे जाएंगे, उससे अच्छा है कि 2 कदम हम लोग आगे ही चलते हैं। तो सोमवार के बाद क्या होता है, मंगल और बुध, तो यानी कि 17/11/2021 को कौन सा दिन होगा, बुधवार, ठीक है, क्लियर है। क्या करेंगे कि दोनों का अंतर निकालेंगे और उसमें 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देने के बाद जो शेष वाला आएगा, अगर वो दिन आने वाला है तो उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, या वो दिन मतलब बीता हुआ है तो उसमें घटा देंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और भागिएगा नहीं, एक क्वेश्चन भी देंगे होमवर्क के लिए, उसको होमवर्क यानी कि बना करके कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर क्या आंसर आया आप लोगों का जरूर कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन दे करके जाएंगे होमवर्क के लिए और इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए मान लेते हैं, मानते हैं एग्जाम्पल में कि 15/3/2021 या 21 का महीना ही हो या 20 का हो या कितना का हो, मतलब ईयर और मंथ से कोई मतलब नहीं, ये दोनों समान होने वाला, को शुक्रवार, मान लेते हैं कि शुक्रवार तो क्या हो जाएगा, 29/3/2021 को कौन सा दिन होगा, बताइए आप लोग ही बताइए क्या करना है। सीधे आंख बंद करके 29 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके लिए इसको 29 नहीं लेते हैं, इसको हम लोग 28 ले लेते हैं, ठीक है, 28 ले लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए तो 15/3/2021 को शुक्रवार का दिन है, मान लेते हैं। अब देखिए ये हम लोग मान लिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है कैलेंडर से इसका जो अभी 28/3/2021 वाले का जो आएगा ये इसका कोई नहीं है कि ये कैलेंडर से, ये जो है कैलेंडर से क्या है, मेल खाए, इसका कोई मतलब नहीं है कि इसका जो हम लोग दिन निकालेंगे वो कैलेंडर से मेल खाए, क्योंकि ये चीज़ इसके आधार पर इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर निकालिए, अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3×1=13, ठीक है, 13 में 7 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 7 बार में, 7×1=7, तो 7×6=13 होता है, 6 आ गया। देखिए ये 6 आ गया, देखिए 6 का मतलब होता है, 6 जोड़ने का मतलब क्या होता है, 1 घटाना, क्योंकि 6 और 1 मिलकर 7 होता है, आप जिस तरह से समझिए। तो देखिए ये आने वाला दिन है यानी कि आने वाला है, तो क्या करेंगे इसमें 6 जोड़ेंगे, या तो 6 जोड़ लीजिए या तो 1 घटा लीजिए, 1 घटाएंगे तो बृहस्पतिवार आएगा और 6 जोड़ेंगे फिर भी बृहस्पतिवार आएगा। देख लीजिए शुक्रवार के बाद क्या होता है, शनिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, हुआ कि नहीं, 6 हुआ। शुक्रवार के बाद शनिवार यानी कि शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध और छठा क्या हो गया, डिप है यानी कि जिसको बृहस्पतिवार कहते हैं, यानी कि ये शुक्रवार में से 1 घटाएंगे, 1 दिन घटाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार, और 6 जोड़ेंगे फिर भी कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार, है कि नहीं, देख लीजिए आप लोग। तो बृहस्पतिवार देखिए, तो इतना इसमें कौन सा दिन रहेगा, बृहस्पत
बृहस्पतिवार, कौन सा दिन आएगा? बृहस्पति, बृहस्पतिवार, ठीक है। देख लीजिए क्या है कि 15/3/2021 को शुक्रवार है, तो 28/3/2021 को कौन सा दिन आएगा? बृहस्पतिवार। और ये कैसे आएगा? दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर में 7 से भाग देंगे, शेषफल आएगा, शेषफल यानी कि आने वाला हो तो जोड़ देंगे। तो शुक्रवार में जब जोड़े हैं 6, तो कहाँ पहुँचे हैं हम लोग? बृहस्पतिवार, यानी कि 28/3/2021 को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं और इसको आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर जो है कमेंट कीजिएगा और इसके बाद अगले वीडियो में टाइप 2 देखेंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन है इस तरह से लीजिए कि 16/8/2018 को मंगलवार है, तो मंगलवार है तो 1/8/2018 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन को बनाइए और इसको बना करके कमेंट में आंसर भेजिए। जब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू।